हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी e-GYAN। ये वीडियो बिहार एस्पायरेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बीपीएससी तैयारी करने वाले या फिर अन्य बिहार जॉब के तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो है। हम अपने यूट्यूब चैनल पीएससी e-GYAN पे सारे स्टेट पीएससी के वीडियोस डालेंगे, जिसमें इंडियन जीके और स्टेट जीके के वीडियोस आएंगे। सो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी वीडियोस इस चैनल पे आए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। हे गाइस, वेलकम टू पीएससी e-GYAN। माय नेम इज़ पीयूष, और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में बिहार का भूगोल, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अक्षांश विस्तार की अगर बात की जाए बिहार में, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक। ठीक है, ये हमारे उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा 24 20 10 27 31 15, आप एक फ़ोन नंबर की तरह इसको याद कर सकते हो। अब देखिए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, आप इसको याद कर सकते हो। 83 19 50 88 17 40 ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो देखिए 24 टू 27 लगभग 3 डिग्री आपका अक्षांशीय विस्तार है, और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री टू 88 डिग्री, लगभग 5 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो देशांतरीय विस्तार है ना, मतलब आपका ईस्ट टू वेस्ट है ना, पूरब से पश्चिम, वो ज़्यादा है बिहार का एरिया। ठीक है, आकृति इसलिए रेक्टेंगुलर बनती है, आयताकार। क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लंबाई अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण, तो ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, अब बात की जाए चौड़ाई की, ठीक है, तो चौड़ाई है 483 किलोमीटर, है ना, पूरब से पश्चिम। तो आप देख सकते हो पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण हमारा कितना था, वो था 345 किलोमीटर। अगर बात की जाए औसत ऊंचाई की, तो ये है समुद्र तट से 52.73 मीटर्स, ठीक है, 52.73 मीटर्स की। ठीक है, अब सीमाएं अगर हम लोग देखें, तो ये है उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड है ना, ये 9 जिलों से, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिलों से, और पश्चिम में यूपी 7 जिलों से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए बिहार की जो जलवायु है, तो जलवायु कैसी है, वो है मानसूनी, औसत वर्षा यहाँ पे है 112 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना है, औसत वर्षा कितना है, ये है 112 सेंटीमीटर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब नेट इरिगेट, नेट आपका क्रॉप डिग्री है ना, बोया गया है ना, जहाँ पे आपने बीज लगाए हैं, तो वो नेट बोया गया क्षेत्र जो है वो है 56,94,642 हेक्टेयर, है ना। आपको वो नहीं पूछा जाएगा, आपको परसेंटेज हमेशा आएगा एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखना है 60.48% ये प्रतिशत है। ठीक है, तो 60.48% जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको 60.48%। अब देखिए गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, मतलब नॉन फार्मिंग रिलेटेड जो भी भूमि है उसकी बात की जाए, तो ये है 17% लगभग बिहार में। ठीक है, तो 17% भूमि, आपको देखिए ये फैक्ट्स नहीं आएंगे एग्जाम में, इसको उतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, आपको मेनली पता होना चाहिए लगभग परसेंटेज वाइज वो कितना है। ठीक है, तो 11% कार्यों में लगी भूमि जो है वो है 17.37%। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि। ठीक है, तो गैर कृषि योग्य भूमि जो है ये 4.64% है। ठीक है, और स्थाई जो चारागाह है, चारागाह मतलब जहाँ पे अब जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, तो चारागाह की बात की जाए तो ये है 0.19%, है ना, 0.19% जो है वो स्थायी चारागाह है। अब देखिए विविध पेड़ या बगीचे की बात की जाए, तो ये है 2.45%, है ना, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो ये 64 लाख हेक्टेयर, है ना, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये आ सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये कितना है, लगभग 64 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए अगर
बिहार की संरचना की बात की जाए तो यहाँ पे आपको चार तरह की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। मेनली तो सब पहले धारवार देख लेते हैं, धारवार हैं, फिर विंध्यन है, फिर टर्शियरी है, फिर क्वार्टरनरी है, ठीक है। सॉरी, अब देखिए धारवार चट्टान जो है वो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में है, ठीक है। धारवार चट्टानें हमें कहाँ मिलती हैं, तो ये जो भी छोटा नागपुर से जुड़ा हुआ हमारा जो भी एरिया है बिहार का, वो हमें धारवार चट्टानें वहाँ पे मिलेंगी। अब देखिए विंध्यन समूह की चट्टानों की बात की जाए, ये कहाँ पे है विंध्यन समूह की चट्टानें, तो ये हैं कैमूर और रोहतास में। कैमूर और रोहतास में हमारा विंध्यन समूह की चट्टानें हमें मिलेंगी। अब देखिए टर्शियरी की बात की जाए, तो टर्शियरी हमारा पश्चिमी चंपारण में है, हमने पहले भी डिस्कस किया था जहाँ पे हमने बिहार का भूगोल देखा था उसमें, तो टर्शियरी चट्टानें हमें मिलती हैं कहाँ, पश्चिमी चंपारण जो शिवालिक बेल्ट है तराई रीजन वहाँ पे, ठीक है। अब क्वार्टरनरी काल की चट्टानें, तो क्वार्टरनरी काल की चट्टानों मतलब सबसे नई है ना, जो सबसे नई तरह की जो चट्टानें हैं उनको बोलते हैं क्वार्टरनरी चट्टानें, और वो हमें मिलेंगी गंगा के मैदानी भागों में, ठीक है, गंगा के मैदानी भागों में। तो गाइस आज हमारे वीडियोस में हमने जो भी डिस्कस किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इनको बार बार रिवाइज़ कर लीजिए क्योंकि ये फैक्ट्स आपका पीटी के लिए स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इनको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज़ करिए, और हमें कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप बता सकते हो आपको वीडियो सीरीज़ हमारी बिहार जीके की कैसी लग रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।